बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियो सज्जनों, आज इस नए हफ्ते की शुरुआत नए खिलाड़ियों के साथ और उनका स्वागत करके उनका परिचय देते हुए करना चाहूंगा। तालियों के साथ उनका परिचय मैं दूंगा। तालियां बजती रहे देवियो सज्जनों। सबसे पहले स्वागत कीजिए प्रीति सेजल शाह का। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट में एक एडवोकेट हैं। फिर मिलिए अंकुश शर्मा से, ये बिश्ना जम्मू एंड कश्मीर में एक बैंक में क्लर्क हैं। इसके बाद स्वागत कीजिए सौरभ कुमार का, ये बतौर असिस्टेंट मैनेजर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में कार्यरत हैं। हमारी अगली खिलाड़ी ओशिन जौहरी भोपाल मध्य प्रदेश में एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं। फिर स्वागत कीजिए हेमलता नगीन दास बाबागढ़ी का, ये वडोदरा गुजरात में एक एनजीओ की डायरेक्टर हैं। अब आते हैं एक किसान जिनका नाम है सत्येंद्र कुमार वर्मा, ये मौरानीपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इसके बाद मिलिए अभिषेक शर्मा से, ये बेंगलुरु कर्नाटक की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर हैं। और अंत में स्वागत किया जाए अनुभा दास का, ये एक जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हैं और ये एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देवियो सज्जनो, ये हैं वो खिलाड़ी जो आज अपने जीवन की किताब का नया पन्ना खोलेंगे और एक नया इतिहास उसमें लिखने की कोशिश करेंगे। इनके जीवन का ये पहला अवसर होगा जब ये उस जगह बैठेंगे यहाँ जहाँ आने के सपने लाखों खिलाड़ी देखते हैं, लेकिन चंद ही वहाँ आ पाते हैं। और इनके जीवन का ये पहला अवसर होगा जब ये पहली बार एक खेल के जरिए दुनिया को संदेश देंगे कि जब जब प्रगति की राह चुनी जाती है तब तब एक इतिहास रचा जाता है। एक ऐसा इतिहास जो आज और आने वाले कल को खुशियों से भर देता है। तो चलिए देखते हैं अपने अपने जीवन में इस इतिहास को रचने की पहल कौन करता है। इस हफ्ते के पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सवाल का सही जवाब देकर तालियां बजती रहे इनके लिए। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। हम खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सबसे पहले से शुरू कर इन महिलाओं को उनके संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला बनने के अनुसार पहले से बात के क्रम में रखें। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लिएस्ट, अरेंज दीज वुमेन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टर्म्स एज द फर्स्ट लेडीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए हिलरी क्लिंटन, बी मिशेल ओबामा, सी मेलेनिया ट्रंप, डी जैकलिन कैनेडी। हो गया समय समाप्त, आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी जैकलिन कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी की पत्नी 1961 to 1963। फिर आता है ए हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन की पत्नी 1993 से 2001। फिर आता है बी मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की पत्नी 2009 से 2017 तक। और अंत में सी मेलानिया ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी 2017 से प्रेजेंट टाइम्स तक, जो कि बदलेगा अगले साल जनवरी में 2021 में। डी ए बी सी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब सौरभ कुमार। बधाई बधाई बधाई, आइए। समझा, मैं सौरभ कुमार हूं, मेरी आयु 36 वर्ष है, मैं बिहार से हूं और मैं अपनी वाइफ के साथ दिल्ली में रह रहा हूं। मैं पिछले 9 वर्षों से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कार्यरत हूं। मेरा काम एयर ट्रैफिक कंट्रोल का है। जो भी हवाई जहाज के मूवमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं
उनको आप असेंबल करते हो, वेरीफाई करते हो और बाद में उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। मेरी पहली पोस्टिंग ट्रिवेंड्रम में हुई और मेरी वाइफ की पोस्टिंग दिल्ली में थी, तो हम दोनों लगभग एक साल से ज़्यादा अलग रहे। तो मैंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया और मुझे दिल्ली में हेडक्वार्टर्स में ट्रांसफ़र मिला। मेरे लिए अगर किसी भी शादी में अगर ताने नहीं हैं बीबी के, तो वो शादी सफल ही नहीं है। और मेरी शादी तो बहुत सफल है, क्योंकि मुझे लगभग हर एक दिन ताने मिलते हैं और मैं इसको बहुत इंजॉय भी करता हूँ। सौरभ से मैंने पूछा था खाना कैसा बनाते हो, तो ये सेट के अच्छा बनाता हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम उनका खाना खाया, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा झूठ था। जब भी मैं इनको बना के खिलाता हूँ, तो कुछ ना कुछ नुक्स तो निकालना ही है कि इनको मेरा कपड़ा पहनना एकदम पसंद नहीं। मैं कैसे पसंद आ गया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। प्रियंका इधर आना, सारे शर्ट निकाल दिए तुमने। मेरे को थोड़ा हर चीज में लगता है कि मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा लगना चाहिए, तो कपड़े वगैरह को लेकर मैं ही डिसाइड करती हूँ कि उन्हें आज क्या पहनना चाहिए। ये पहन लो। ओके। केबीसी में आने का प्रयास तो मैंने 2000 से ही शुरू कर दिया था। मैं 16 से 36 का हो गया, तब जाके मुझे केबीसी में जाने का मौका मिला। मिडिल क्लास के सपने जो होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते, चाहे जितने का पैसा मिल जाए। और मुझे लगता है कि केबीसी से मिला पैसा मेरे बहुत सारे सपनों को पूरा करेगा। बहुत बहुत बधाई आपको सौरभ जी। जी सर, आप अपने कंपेनियन के रूप में अपनी पत्नी जी को लाए हैं। हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको। प्रणाम। आपका शुभ नाम? प्रियंका कुमारी सर। प्रियंका कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में हम आपसे ज्यादा बात करेंगे बजाय आपके पति देव से। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे लगता है कि दरअसल आपको यहाँ होना चाहिए था। सर मैंने भी कोशिश की थी, सफलता नहीं मिली मुझे, बट अभी भी सफल ही हूँ। भाई साहब, अभी आपने हमने सुना विवाह के बारे में आपने बताया। विवाह में देखिए एक बहुत ही अहम बात होती है, वो है त्याग। अभी भी समय है, त्याग दीजिए अपनी कुर्सी, पत्नी जी को यहाँ बुला लेंगे हम। सर मुश्किल ये है कि पैसे जीतने उसके लिए थोड़े मुश्किल हो जाए। हाँ ये तो सही कहा आपने। ओके सौरभ जी, जितनी भी बातें आपने अपने वीडियो में कही उन सब से मैं सहमत हूँ कि शादी जो है वो बिना ताने के वो बर्बादी के लक्षण हैं। ताने ना पड़े तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है भैया, यहाँ ताने नहीं पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। किस तरह के ताने पड़ते हैं आपको? मैं बिहार से हूँ। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पे रा और रा में जी जी हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बोलने में, घोड़ा घोड़ा। तो मेरी वाइफ ने बहुत बार मुझे बोला कि बोलो घोड़ा दौड़ा दौड़ा, और मैं आज तक उसको सही नहीं कर पाया हूँ। घोड़ा दौड़ा दौड़ा, हाँ दौड़ा दौड़ा दौड़ा, वो नहीं आता। मैं नहीं दौड़ा पाया। जी जी, बहुत दिक्कत होती है। तो इसी तरह क्यों आपने यही चुना पत्नी जी? सर एक अच्छा जीवन साथी चुनना भी बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, पर अच्छा जीवन साथी वो घोड़ा क्यों दौड़ाएगा? सर वो तो मैं कभी कभी इन्हें तंग करने के लिए कर देती हूँ। अच्छा, तंग करने के लिए किया था? तंज नहीं था भाई साहब, ये केवल तंग करने के लिए था। कितना सहयोगी मैं बन गया हूँ आप दोनों के वैवाहिक जीवन का, इसका आपको अनुमान नहीं है। ओके भाई साहब, आगे बहुत सी बातें करेंगे। खेल के नियम तो आपको पता ही है, तो हमारे जो एक्सपर्ट लाइफलाइन है उसके बारे में बता दूं आपको। हमारे आज के एक्सपर्ट दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सृजन पाल सिंह जी उनका नाम है। ये एक ऑथर होने के साथ साथ एजुकेशन इनोवेटर और पब्लिक स्पीकर भी हैं। पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित कई बेस्ट सेलिंग किताबों के ये को ऑथर रह चुके हैं। और सृजन जी 2009 से लेकर के 2015 तक स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एडवाइज़र ये रह चुके हैं। लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी में इनकी विशेष रुचि है। और हम इनका KBC में स्वागत करते हैं। सृजन पाल सिंह जी, नमस्कार करता हूं आपको और बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज कौन बनेगा करोड़पति में आपके साथ शामिल होकर के मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि जब KBC शुरू हुआ था तब मैं स्कूल में था और मैं तब से फॉलो करता आ रहा हूँ।
और आज एक्सपर्ट के रूप में आपके साथ शामिल होकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका और अभिनंदन। तो सृजन पाल सिंह जी यहाँ हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। सौरव कुमार जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है, मूल ₹1,000। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक खास तरह के पौधे की पत्तियों से इनमें से कौन सा पेय पदार्थ तैयार किया जाता है? विच ऑफ दीज बेवरेजेस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीफ ऑफ द प्लांट। ए कॉफी, बी टी, सी कोका कोला, डी लेमनेड। कॉफी, चाय, कोका कोला या लेमनेड? प्लीज लॉक बी सर, टी। बी टी, चाय पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ₹1,000 जीत गए। चाय वगैरह तो आप पीते होंगे? पीता भी हूँ, बनाता भी हूं। बनाते भी हैं और पिलाता भी। हालांकि वो बनाने वाली बात पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि पत्नी जी बहुत घूर के देख रही हैं, क्योंकि अभी हमने वीडियो में देखा था कि आपका जो शेफ बनने का एक अरमान था वो अधूरा रह गया है कि नहीं। बहुत बुरी भैया, चाय तो बना लेते हैं ना आप? पत्नी जी चाय तो बना लेते हैं ना? ठीक है, चाय तो यही बनाते हैं। चाय यही बनाते हैं, चलिए बधाई हो आपको भाई साहब, वाह। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका ₹2,000। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। रेफ्रिजरेटर, वाटर प्यूरिफायर और गीजर की स्टोरेज क्षमता को आमतौर पर इनमें से किस इकाई में मापा जाता है? द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, वाटर प्यूरिफायर्स एंड गीजर्स आर जनरली गेज्ड बाय विच ऑफ दीज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ए लीटर, बी किलो, सी अंश या टन। सर प्लीज लॉक ए लीटर। ए लीटर, श्योर? 100% कॉन्फिडेंट है? लीटर ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सौरभ जी, लगा दीजिए। सही जवाब दिया है आपने और ₹2,000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, मूल्य ₹3,000। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा प्रतिष्ठित आकर्षण या संस्थान नई दिल्ली में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर अट्रैक्शंस और एस्टैब्लिशमेंट्स इज नॉट इन न्यू दिल्ली। ए अग्रसेन की बावली, बी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, सी तीन मूर्ति भवन या डी गेटवे ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, अग्रसेन की बावली, तीन मूर्ति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया। सर प्लीज लॉक डी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, डी पे ताला लगा दें। यस सर, डी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी सही जवाब दिया है आपने, ₹3,000 जीत गया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है, बाकी तीन सब दिल्ली में है। चौथा प्रश्न, ₹5,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मन्ना डे द्वारा गाई गई ये कव्वाली, आपको एक ऑडियो सुनाएंगे हम, भावें ऊपर हो गई आपकी। मन्ना डे द्वारा गाई गई ये कव्वाली किस फिल्म में फिल्माई गई है? इन विच फिल्म वॉज दिस कव्वाली संग बाय मन्ना डे फीचर्ड? कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए अमर अकबर एंथनी, बी हम किसी से कम नहीं, सी जंजीर या डी दीवा। सी जंजीर, प्लीज लॉक सी। सी जंजीर पे ताला लगा दें। करेक्ट, लगाइए ताला कंप्यूटर जी। ये भी सही जो उत्तर है आपका, ₹5,000 जीत गए आप। ये फिल्म जो थी ये सलीम जावेद साहब ने हमको दिलवाई, और जावेद साहब से हमने पूछा भैया हमारी जितनी फिल्में थी वो तो सब फ्लॉप हो रही थी, कैसे आपको हमारी याद आ गई, और हम जानते भी नहीं थे अच्छी तरह इनको। तो उन्होंने कहा साहब हमने आपकी एक फिल्म देखी बॉम्बे टू गोवा, और उसमें एक फाइट सीक्वेंस है, आपको मुक्का पड़ा, आप च्युइंगम खा रहे थे उससे पहले, और जब मुक्का पड़ा जब आप खड़े हुए फिर भी आप च्युइंगम खा रहे थे, तो हमको लगा तब आपको ये रोल देना चाहिए। च्युइंगम के खाने के साथ और जंजीर के साथ क्या ताल्लुक उनके मन में आया हमारी समझ में आज तक नहीं आया। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने हमको चुना, लेकिन ये था वो सीक्वेंस जब हमको उसमें काम करने का अवसर मिला। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। पांचवा प्रश्न आएगा, ₹10,000 इसका मूल्य है। पांचवा प्रश्न, ₹10,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुलमर्ग शहर के नाम में गुल शब्द का क्या अर्थ है? What does the word gul mean?
इन द नेम ऑफ द टाउन गुलमर्ग. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए चीक, बी फ्लावर, सी वॉटर, डी हेवन. गाल, फूल, पानी या स्वर्ग. सर आई विल टेक लाइफलाइन. शांत हो जाएं, चल पड़ीजिए, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं. अरे ये तो बड़ा साधारण सा प्रश्न था. चलिए कौन सी लाइफलाइन लेंगे? चारों जीवित हैं. 50-50 लूंगा मैं. 50-50 ओके. 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए कंप्यूटर जी. अब दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए. दो बचे हैं फ्लावर, वाटर, फूल और पानी. सर आई विल टेक अनदर लाइफलाइन. एक और. Yes, एक और लाइफ लाइन. शांत हो जाए, एक और लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं. हे भगवान. सौरभ जी टफ हो गया. अब आपके पास तीन बची हुई हैं. सर वीडियो कॉल है. फ्लिप द क्वेश्चन. फ्लिप द क्वेश्चन ऑलराइट. फ्लिप द क्वेश्चन लेंगे सौरभ कुमार जी. इसको अंकित किया जाए. तो सौरभ जी इस प्रश्न को हम हटा देंगे. Yes. एक नया प्रश्न आएगा. जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा. किसी एक को गेस कीजिए. फ्लावर. बी फ्लावर पे ताला लगाएं. यस सर. भाई साहब ये सही है. पहले आपको कैसे नहीं आया ये? गुल. फूल को कहते हैं गुल. गुल बदन, गुल बहार, बहुत से ऐसे शब्द हैं. यस. गुलमर्ग. ऑलराइट. तो हमारे पास एक 11 विषयों की एक सूची है और हमने आपसे पूछा था किसी एक विषय को चुनिए. ज्योग्राफी के आधार पर कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को एकदम हटा दीजिए और फ्लिप द क्वेश्चन को हमारे सामने पेश कीजिए. दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज इन विच कॉन्टिनेंट? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया. सी अफ्रीका. या प्लीज लॉक इट. सी पे थारा लगाया जाए. जी हाँ ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका. पहला पड़ाव पार कर दिया आपने सौरभ जी. नील या नाइल नदी विक्टोरिया झील से शुरू होकर के भूमध्य सागर में गिरती है. इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है. द नाइल इजिप्ट में बहती है. भाई साहब हमको बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत आसान से प्रश्न थे और आपने दो लाइफलाइन ले लिया उसके ऊपर. हाँ सर मैंने सोच नहीं पाया. पत्नी जी आपको पता था? उनको पता था. आज जब आप यहाँ से जाएंगे तो क्या हर्ष होने वाला है आपका. ये मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ. तानों की जो संख्या है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी ठीक है. लेकिन आप उससे बहुत संतुष्ट रहते हैं क्योंकि आपने कहा कि बिना ताने के विवाह जो है वो ठीक तरह से संपन्न नहीं होता है. आप कभी कश्मीर वगैरह गए नहीं है क्या? गया हूँ मैं सर. गुलमर्ग भी गया हूँ. फिर कैसे? अकेले गए थे या पत्नी जी के साथ गए थे? पत्नी के साथ ही गया था. अरे बाप रे बाप. आज पत्नी जी घर छोड़िए. चलिए सौरभ जी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बड़ा ही एक तीव्र काम होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है उसमें. तो इसकी आपने ट्रेनिंग की या कोई एक ऐसा कोर्स होता है जिसको पास करना पड़ता है? नहीं सर, मेरे रिक्रूटमेंट के बाद हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी. वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो स्यूडो पायलट बनते हैं. ठीक है. वो पायलट का काम करते हैं और हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करना होता है. जी. तो इसी तरह से बहुत सारे कोर्सेस होते हैं और सबको पास करके फिर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनते हो. जी. कई बार मुझे पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है तो जो पायलट होते हैं वो अपने एक्सेंट में बोलते हैं, लेकिन उनका जो एक्सेंट होता है वो अलग होता है. कई बार ऐसा होता है कि आपको एक्सेंट ठीक से समझ ना आया हो और आपसे गलती हो गई हो? नॉर्मली सर जो पायलट्स होते हैं या कंट्रोलर होते हैं जी, उनकी एक इंग्लिश की ट्रेनिंग होती है और हमारी जो कम्युनिटी है उसमें कुछ फ्रेजेस हैं, उसी में आपको बात करनी है जी. तो नॉर्मली ज़्यादातर बातें उसी फ्रेजेस में होती है तो आप समझ जाते हो, उनको रिस्पॉन्स भी करते हो. ओके ऑलराइट. चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में.
खेल खेलते हुए इनकी दो लाइफलाइन चली गई हैं। अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। ओके सौरभ जी, चलिए छठा प्रश्न। 20,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 7 नवंबर 2020 को दिए गए इस भाषण में वक्ता किस पद की जिक्र कर रही हैं? विद इन कोट्स, इस पद पर मैं पहली महिला हो सकती हूं लेकिन आखिरी महिला नहीं होंगी। व्हाट इज द ऑफिस रेफरेंस्ड इन दिस स्पीच गिवन ऑन द 7th November 2020? व्हाइल आई मे बी द फर्स्ट वुमन टू होल्ड दिस ऑफिस, आई विल नॉट बी द लास्ट। ए वाइस प्रेसिडेंट USA, बी प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड, सी CIA डायरेक्टर, डी हेड ऑफ MI6। ए उपराष्ट्रपति USA, बी प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड, सी CIA डायरेक्टर या डी MI6 के प्रमुख। सर ए, प्लीज लॉक ए, वाइस प्रेसिडेंट USA। वाइस प्रेसिडेंट USA? यस। ऑलराइट, वाइस प्रेसिडेंट USA पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। कमला हैरिस जो है वो पहली महिला, पहली अश्वेत व्यक्ति और पहली दक्षिण एशियाई मूल की व्यक्ति हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। हर मदर वॉज द बायोलॉजिस्ट श्यामला गोपालन हु हेल्ड फ्रॉम तमिलनाडु। और इन्होंने अपने भाषण में अपने माँ का जिक्र किया और तमिलनाडु में काफ़ी जश्न वगैरह भी मनाया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस मांसाहारी पौधे का नाम बताइए जो कीटों को पकड़कर और उसे पचाकर पोषक तत्व प्राप्त करता है। हम आपको एक अभी एक इमेज दिखाएंगे, एक छवि दिखाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कार्निवोरस प्लांट दैट गेट्स न्यूट्रिएंट्स बाय कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स? ये है वो छवि। देख लिया सर? ए वीनस फ्लाई ट्रैप, बी पिचर प्लांट, सी ब्लैडर वॉर्ट या डी सनड्यू। सर प्लीज लॉक बी, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, यस। बी ताला लगा दिया जाए? यस। बड़ी जल्दी उत्तर दिया है बी को ताला लगाने के लिए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। भाई साहब आप बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बधाई आपको। मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इस पौधे की पत्ती घड़े या कलश के आकार की होती है जैसे कि आपने देखा, जिसके मुंह पर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है। घड़े के आकार की इन पत्तियों में मीठा तरल पदार्थ होता है जिससे कीट जो है इसकी ओर आकर्षित होते हैं और फंस कर मर जाते हैं। इसके बाद कीट गल जाते हैं और उनके पोषक पदार्थ को पत्तियां सोख लेती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। मूल्य है 80,000 रुपये। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है जिसका निर्माण 1942 में वहां के राजा द्वारा दान में दी गई भूमि पर हुआ था? Constructed in the year 1942 on land donated by the local king, Maharaja Bir Bikram Airport is located in which city? A. Kathmandu, B. Siliguri, C. Agartala, D. Darbhanga. काठमांडू तो नहीं है सर, दरभंगा भी नहीं है, सिलीगुड़ी भी नहीं है। सर प्लीज लॉक सी, अगरतला। सी अगरतला, यस सर। श्योर है? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए? लगा दिया। सी अगरतला, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड सर। थैंक यू। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य त्रिपुरा की रियासत के अंतिम राजा थे। उन्होंने 1947 में अपने राज्य को भारतीय संघ में विलय कर दिया था। 2018 में भारत सरकार द्वारा अगरतला हवाई अड्डे का नाम उनके सम्मान में
महाराजा वीर बिक्रम एयरपोर्ट रखा गया। वाह, आप खुश हो रहे हैं, साथ साथ पत्नी जी भी बहुत खुश हो रही हैं। सर, बहुत परिवर्तन आने वाला है आज इस खेल के बाद आपके जीवन में, मेरा ऐसा अनुमान है। ओके भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपये मूल्य है इसका। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल में एमएस धोनी इनमें से किस टीम के लिए 2 सीजन खेल चुके हैं? फॉर विच ऑफ दीज टीम्स हैज एमएस धोनी प्लेड इन 2 सीजन्स ऑफ आईपीएल? ए गुजरात लायंस, बी कोची टस्कर्स केरल, सी पुणे वॉरियर्स इंडिया, या डी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स? पुणे वॉरियर्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में सर कंफ्यूजन है। सर सर आई विल टेक लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। 2 बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या आस्ती एक्सपर्ट वाली, क्या करेंगे? सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। इसे अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये रहे वो नाम। केशु है, अमर ढाका है, रंजन दीदी, नीरा जी। केशु से बात करेंगे। यस ऑलराइट, कभी नमाश है, केशु जी को फोन लगाया जाए। कौन है ये आप? मेरे साले साहब हैं। आपके साथ काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे साले साहब हैं सर। साले साहब हैं? ओहो, अच्छा अच्छा। अभी इन्होंने IIT का क्वालिफाई किया है सर। ओके ओके ओके। केशु जी, प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक है सर, बहुत खुशी हुई आपसे बात करने का मौका मिला मुझे। अच्छा, मेरे सामने जो बैठे उनको ज्यादा खुशी होगी आपका उत्तर जान करके। सौरभ कुमार जी हमारे सामने बैठे हैं। हाँ। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। ठीक है, 45 सेकंड के अंदर अंदर बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? ठीक है। आपका समय शुरू होता है। आप फॉर विच ऑफ दिस टीम्स हैज MS धोनी प्लेड 2 सीजन्स ऑफ IPL? गुजरात लायंस, कोचीन, पुणे वॉरियर इंडिया, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स? आई से अगेन, फॉर विच Which of these teams has MS Dhoni played 2 seasons of IPL? Gujarat Lions, Kochi Tuskers, Pune Warrior India, Rising Pune Super Giants? Confusion हो रही है दो options में। मुझे दो options में confusion हो रही है, but मुझे जहाँ तक लगता है कि ये और चल पड़ा है घड़ी। अभी एक ही लाइफलाइन बचा है। एक्सपर्ट एडवाइसेस। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। आखिरी लाइफलाइन है आपकी। कम्युनिटी महाशय इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क करवा जाए। सुजन पाल सिंह जी, समय आ गया आपका बहुत जल्दी। हाँ। एक प्रश्न पे अटक गए हैं सौरभ जी, 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। प्रश्न ये है, IPL में MS धोनी इनमें से किस टीम के लिए 2 सीजन खेल चुके हैं? 60 सेकंड शुरू होने वाले हैं, ये रहे ऑप्शंस। ए गुजरात लायंस, बी कोची टस्कर्स केरला, सी पुणे वॉरियर्स इंडिया, डी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। ओके, ये मेरे ख्याल में 2016-17 के आसपास की बात है, जब MS धोनी ने 2 सीजन पुणे के साथ खेले थे, और जहां तक मुझे लग रहा है, फेली कॉन्फिडेंट, इट इज डी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, और 16-17 के आसपास की बात है। उसके बाद ऑफ कोर्स चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वो खेलते रहे। जाएंगे आप? यस सर, डी। डी सर, डी के साथ जाएंगे। यस सर। कमिटी महाशय, सलाह मिली है कि डी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स पर ताला लगा जाए। सर आप बिल्कुल सही है, वेल प्लेड, क्या बात है, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद दे दीजिए आप सुजन पाल सिंह जी को। ओके सौरभ जी, आप पहुंच गए हैं 9वें प्रश्न पर,
160,000 रुपये आप जीत चुके हैं। अब जो अगला प्रश्न आएगा वो है 10वां प्रश्न। यहाँ पर अब आप चांस नहीं ले सकते हैं। सही उत्तर हो तो ही खेलिएगा, और लाइफ लाइन नहीं आपके पास इसका ध्यान रखिएगा। सौरभ कुमार जी, 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहब का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया था? Who built the गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहब? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए महाराजा दुलीप सिंह, बी बंदा सिंह बहादुर, सी राजा मान सिंह, डी महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा दिलीप सिंह तो नहीं है, मान सिंह भी नहीं है, महाराजा रंजीत सिंह या बंदा सिंह बहादुर, बंदा बहादुर भी नहीं होंगे सर। महाराजा रंजीत सिंह, डी। डी महाराजा रंजीत सिंह। यस सर। श्योर है? श्योर नहीं हूँ लेकिन रिस्क ले रहा हूँ सर। रिस्क ले। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्या लगता है पत्नी जी, रिस्क लेना चाहिए था इन्हें? बिल्कुल लेना चाहिए था सर। अच्छा, इतनी शोर है, आपकी रिस्क लेना चाहिए था। सरोज जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बधाई हो आपको। वेल प्लेड सर। तख्त पटना साहब बिहार के पटना में स्थित है। यहीं पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में हुआ था। ओके, सबसे पहले तो आपके नाम एक चेक आ रहा है 3,20,000 रुपये का। का चेक आपके नाम। और भाई साहब, ऐसा है प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई पाबंदी नहीं है समय की, जितना समय आप लगाना चाहें उसको लगाइए, सोच समझ कर खेलिएगा। दूसरी बात, हमारा जो जैकपॉट प्रश्न होता है 7 करोड़ रुपए का, 16वां प्रश्न उसका द्वार खुल जाता है। अगला प्रश्न जो है उसे अब आप अवश्य खेलिएगा, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ 11वां प्रश्न, मूल्य है 6,40,000 रुपये। 11वां प्रश्न सौरभ कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। '62 का भारत चीन युद्ध जब शुरू हुआ था उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? Who was the defense minister of India at the start of the 1962 Indo-China War? A. V.K. Krishna Menon. B. Jawaharlal Nehru. C. Morarji Desai. D. Jagjivan Ram. Sir, please lock A. V.K. Krishna Menon. Sure am? Yes. Confident? V.K. Krishna Menon कह रहे हैं सौरभ जी, A पे ताला लगाया जाए। Sir, you're absolutely right. Well played. 6,40,000 जीत गया। बहुत सुंदर उत्तर दिया है आपने। भारत चीन युद्ध की शुरुआत 20 अक्टूबर 1962 को हुई थी। वीके कृष्णा मेनन 17 अप्रैल 1957 से 1 नवंबर 1962 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। युद्ध के दौरान 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नेहरू जी ने रक्षा विभाग खुद अपने पास ले लिया। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर सौरव कुमार जी। अब आपके सामने आने वाला है 12वां प्रश्न जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपये। कोई लाइफलाइन नहीं है, बहुत होशियारी के साथ खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कपिल वास्तु इनमें से किस प्राचीन राजवंश की राजधानी थी? या कपिलावस्तु served as the capital city of which ancient dynasty? A. Kuru. B. Shakya. C. Vats. Or D. Kosal. Kuru, Shakya, Vats, or Kosal? Sir, please lock B. Shakya.
श्योर हैं? 100%। बहुत जल्दी आप उत्तर दे रहे हैं। सर श्योर हूँ इसमें, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो कपिल वस्तु से ही थे और शाक्य डायनेस्टी से ढूंढ आते थे। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड सर, बहुत बहुत बधाई आपको। शाक्य इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी होने का दावा करते थे। गौतम बुद्ध इसी गोत्र के थे, इसी कारण उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता। उनकी राजधानी कपिलवस्तु में थी। बहुत खूब, वेल डन सौरभ जी, 12,50,000 रुपये जीत लिए आपने। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप, हालांकि आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं, फिर भी आप सही उत्तर देते गए। पत्नी जी बहुत खुश हो रहे हैं, तालियां बज रही हैं, चेहरे की मुस्कान जा नहीं रही है। इसी तरह उनको आप खुश रखिएगा। ओके, अब आएगा 25 लाख रुपए का प्रश्न। 13वां प्रश्न है ये। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए सौरभ कुमार जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके बारे में ये माना जाता है कि इसका आविष्कार पत्रकार आर्थर विन ने किया था और ये पहली बार 21 दिसंबर 1913 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड में प्रकाशित हुआ था। What is said to have been invented by journalist Arthur Wynne, which first appeared on the 21st of December 1913 in the New York World? Options ye rahe aapke samne: A. Crossword puzzle. B. Comic strip. C. Quiz column. D. Obituary column. Samay aapke paas hai, soch samajh kar uttar dijiye. Yes, सही उत्तर देंगे 25 लाख कोई लाइफलाइन नहीं है, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3-20। सर कॉमिक स्ट्रिप तो मुझे लगता है बहुत पहले से आता होगा, क्विज कॉलम भी पुरानी चीज है, क्रॉसवर्ड पजल मुझे लगता है नई चीज है जो 1913 में आई होगी, ये ऑब्लिटरी वॉल्यूम का सर आइडिया नहीं है मुझे। हाँ थोड़ा सा सर ये, और आप इन्वेंटेड है सर, तो इसमें और किस चीज को इन्वेंट नहीं किया जा सकता है, क्रॉसवर्ड पजल को इन्वेंट किया जा सकता है, मेरे ए पे जाऊंगा सर। फाइनल उत्तर आपका? इन्वेंटेड बाय क्रॉसवर्ड पजल को इन्वेंट किया जा सकता है मेरे हिसाब से। ओके यस सर, ए ए पे आप चाह रहे हैं? yes, ताला लगा दिया जाए। क्रॉसवर्ड पजल ए कंप्यूटर महाशय पे ताला लगाया जाए। क्या अनुमान लगाया था आपने? मैंने कहा था सर और किसी को इन्वेंट नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि सर आपने कहा कॉमिक स्ट्रिप जो है वो नहीं इन्वेंट हुई थी तब, मुझे बहुत पुरानी चीज लग रही थी और 1913 में पब्लिश नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। अब सर रिस्क ले लिया है तो अब जो होगा। सर आपका रिस्क सही हुआ है, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। थैंक यू सर, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई आपको। ए पजल कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रिड ऑफ स्क्वायर्स एंड ब्लैंक्स इनटू व्हिच वर्ड्स क्रॉसिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आर रिटन अकॉर्डिंग टू क्लूज। विन्स पजल कॉल्ड अ वर्ड क्रॉस अपीयर्ड इन अ संडे न्यूज़पेपर इन द न्यूयॉर्क वर्ल्ड ऑन 21st December 1913। वेल डन सौरभ जी, बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये। मेरे लिए भी मुश्किल था सर बहुत, लेकिन किसी तरह आपने इसका अनुमान लगाया। धन्यवाद। 25 लाख रुपए जीत लिए आपने। अब आएगा आपके सामने 50 लाख रुपयों का प्रश्न। यह है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा सौरभ कुमार जी। इनमें से किस संस्था के नाम पर डायनासोर की एक श्रेणी यानी जीनस का नाम रखा गया है? ए जीनस ऑफ डायनासोर्स इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स? ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, बी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, डी आईआईटी खड़गपुर। भारतीय विज्ञान संस्थान,
बी वन अनुसंधान संस्थान, सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। कुछ दिनों पहले न्यूज में तो था, मैंने सुना है इसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIT खड़गपुर। सही उत्तर देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे आपको 3-20 पे। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, यहां अक्सर गेस्टवर्क जो है वो नहीं चलता है, लेकिन निर्णय आपको लेना है। मुझे ए लग रहा है सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। डायनासोर पे रिसर्च, एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है सर। सर मैं क्विट करूंगा। नहीं आ रहा क्वेश्चन। नहीं सर, नहीं समझ में उत्तर नहीं आ रहा क्वेश्चन। मुझे ए लग रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, लेकिन श्योर नहीं है तो बहुत नीचे चला जाऊंगा मैं। जी जी जी, ओके। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे खेल को? हाँ सर। ऑलराइट सौरभ जी, हम अनुमति देते हैं आपको क्विट करने की और बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने जीत लिए हैं 25 लाख रुपए, और ये जो 25 लाख रुपए हैं आपके बैंक अकाउंट में हम भर्ती कर देंगे ये मोबाइल ऐप के द्वारा। यहाँ पर आपका नाम आ गया सौरभ कुमार, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25 लाख रुपए भर दिए, कंफर्म किया, ये गया आपके अकाउंट के अंदर बहुत ही शीघ्र। बधाई हो आपको। धन्यवाद। वेल प्लेड सौरभ कुमार जी। तो अब इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना होगा अपने दर्शकों को, किसी एक को गेस कीजिए। सर ए। ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। नहीं सर, ये गलत होता। सही है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। डायनासोर इसिसोरस और आइसिसोरस का नाम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर है। इसिसोरस और आइसिसोरस का अर्थ है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। सौरभ जी बहुत बहुत बधाई आपको, और पत्नी जी आप इन पर ध्यान रखिएगा, बड़ी मेहनत की है इन्होंने, ताने वाने मत मारिएगा इनके ऊपर। 25 लाख रुपए इन्होंने जीत लिए हैं, और मेरा ऐसा अनुमान है कि ये 25 के 25 आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, आज ही। कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। बैंक में ना सर। बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड सौरभ कुमार जी, बिग हैंड फॉर सौरभ कुमार। थैंक यू। सौरभ कुमार 25 लाख रुपए जीत करके गए, बहुत सुंदर तरीके से खेले वो। और समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे छोटे से शुरू करते हुए इन सौंदर्य खिताबों में दिए गए जगहों को उनके सामान्य क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े के क्रम में रखें। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, अरेंज दीज ब्यूटी टाइटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एवरेज एरियाज ऑफ द प्लेसेस मेंशन्ड इन देम। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए मिस दिल्ली, बी मिस एशिया, सी मिस वर्ल्ड, डी मिस इंडिया। हो गया समय, तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए मिस दिल्ली,
फिर आता है डी मिस इंडिया, फिर आता है बी मिस एशिया और अंत में है सी मिस वर्ल्ड। ए डी बी सी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं ये रहे उनके नाम। केवल चार लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज जवाब भूषण जोरी। जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं ओशन जौहरी, ये भोपाल मध्य प्रदेश में एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है। ओशन जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं कब आपको देख पाऊंगी। मैं बहुत सालों से ये सोच रही थी कि मैं कब आके आपके सामने बैठूंगी और मैं बस सिर्फ आपके दो मिनट लूंगी, बस मुझे कुछ कहना है सर आपसे। जब भी मैंने आपको देखा, मतलब जैसे ही आप अंदर आए, आपका एक ऑरा है सर जो इतना इतना एनर्जेटिक और इतना पॉजिटिव है कि उसको देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब आप एक बिल्कुल होली फिगर, एक होली एंजल जैसे लगते हैं। अरे बाप रे बाप, बात हमको करनी है आपके साथ, आप हमसे बात कर रही हैं, ये तो उल्टा हो गया एकदम। ओशन जी हमसे, मैंने सोचा मैं शुरू में ही बोल दूं, ये हमारा काम है। ओके जी, बिल्कुल, ये हमारा कार्य है, उसको जितनी खूबी से हम निभा सकें उसका प्रयत्न करते रहते हैं जी, जी, सर। और कोई ऐसी बात नहीं। ओके ओशन जी, खेल की शुरुआत हम कर देते हैं, लेकिन आप अपने साथ अपने कंपेनियंस के रूप में किसे लाए? आपके माताश्री और अपने पिताश्री को लाए हैं। यस सर। प्रणाम करता हूँ, आपका शुभ नाम माताजी? मैं नीरजा जौहरी हूँ सर, और आपके ही ससुराल से भोपाल से हूँ। अच्छा अच्छा, सभी भोपाल वालियों की तरफ से आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। और भाई साहब आप? नमस्कार सर, मैं राकेश जौहरी मेरा नाम है सर। राकेश जी आपका स्वागत, और माता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ। ससुराल बोल दिया आप तो और भी एक दबाव आ गया हमारे ऊपर। ओके ओशन जी, यस सर, जितने भी नियम है इस खेल के वो तो आपको पता ही है, बिल्कुल, खेल शुरू किया जाए। यस ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति विद ओशन जौहरी। रेडी ओशन जी, पहला प्रश्न, ₹1,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम आवाज उठाना? यस, ए टू एडवाइस, टू प्रोटेस्ट, टू सेलिब्रेट, टू एनवी, समझाना, विरोध प्रकट करना, खुशियां मनाना या ईर्ष्या करना? सर इसका ऑप्शन मुझे बी लग रहा है, बी है इसका राइट ऑप्शन, टू प्रोटेस्ट, क्योंकि हम जब भी आवाज उठाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आवाज उठाओ तो यानी प्रोटेस्ट करना, तो बी इज द राइट आंसर सर, इसको हम लॉक करते हैं। बी को हम लॉक कर सकते हैं, कह रहे हैं ओशन जी ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया है आपने। दूसरा प्रश्न आएगा, ₹2,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अक्षय कुमार की इस फिल्म के शीर्षक में से कौन सा शब्द गायब है? सबसे बड़ा डैश, सो व्हाट वर्ड इज मिसिंग फ्रॉम द टाइटल ऑफ अक्षय कुमार फिल्म सबसे बड़ा डैश? यस सर, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए दुश्मन, बी हीरो, सी खिलाड़ी या डी लीडर। सर उनकी एक मूवी आई थी खिलाड़ी, तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी इसका आंसर होना चाहिए, सबसे बड़ा खिलाड़ी। ओके, आपको कहना पड़ेगा किसे लॉक करें। सर सी को लॉक कर दीजिए। सी खिलाड़ी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। तीसरा प्रश्न, ₹3,000 आपके स्क्रीन के ऊपर, ओशन जी ये रहा, इनमें से किस खेल को खेलते वक्त बॉल को मारने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है? टू प्ले विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स डज वन नॉट नीड द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू स्ट्राइक द बॉल? ए वॉलीबॉल, बी टेनिस, सी क्रिकेट, डी बेसबॉल। सर जो बी डी और सी ऑप्शन है उसमें तो ऑब्वियसली हमारे पास बैट है, टेनिस है, रैकेट है और बेसबॉल में भी उनका वो होता है, तो ए ऑप्शन होना चाहिए, वो हम हाथ से खेलते हैं, तो ए वॉलीबॉल इज द राइट आंसर, ए को हम लॉक करेंगे। ए को हम लॉक करेंगे, वॉलीबॉल पे ताला लगा दिया जाए।
सही जवाब दिया आपने। सारी चीज़ों को आप बहुत अनुमान लगा करके, सोच समझ करके, बोल करके उत्तर देने का आपका जो ढंग है ना जी सर, वो अद्भुत है। थैंक यू सर। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किन दो रंगों को मिलाने से हरा रंग बनेगा? Which two colors are mixed together to make the color green? ऑप्शन सुनिए, ए रेड एंड ब्लू, बी ऑरेंज एंड ब्लैक, सी येलो एंड ब्राउन, डी ब्लू एंड येलो। लाल और नीला, नारंगी और काला, पीला और भूरा, नीला और पीला। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लू और येलो को मैंने देखा है कि जब हम मिक्स करते हैं तो ग्रीन बनता है, मैंने ऐसा देखा है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सर। डी को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने और जीत गए आप 5,000 रुपए। बहुत सुंदर तरीके से आप जवाब देती जा रही हैं ओशन जी, और ऐसे ही देते देते आ गया है पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए ओशन जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस सर। 2005 में किस वेबसाइट को इस विचार के साथ लॉन्च किया गया था कि लोग अपने घरेलू वीडियो साझा करने का आनंद लेंगे? Which website was launched in the year 2005 with the idea that people would enjoy sharing their home videos? Okay? समझ गए प्रश्न को? Yes, sir. ऑप्शन देखिए, A. Instagram, B. YouTube, C. WhatsApp, D. Skype. सर Instagram और WhatsApp तो बहुत नए हैं, दो बचे B और D. तो स्काइप पे तो हम ऐसे मतलब ऐसे वीडियो शेयर करेंगे ऐसा तो नहीं है, यूट्यूब पे हम वीडियो शेयर करते हैं। मुझे बी ऑप्शन लग रहा है सर। पता नहीं सर, बी लग रहा है ऑप्शन। बताना पड़ेगा आपको, लॉक कर सर, ऑप्शन बी लॉक कर दें। अभी भी आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, ऑप्शन बी लॉक करते हैं सर। ओके, बी यूट्यूब कह रहे हैं ओशन जी, इस पे ताला लगा दिया जाए। क्यों बार बार देखती रहती है आप हमारी तरफ? सर मैं तो जितनी बार, ना तो हमारे चश्मे में इसका उत्तर लिखा है, नहीं नहीं, ना ही हमारे चेहरे पर और ना ही हमारी आंखों पर। जो आपने कहा है YouTube बी, वो सही जवाब है आपका, बधाई। YouTube की स्थापना चैड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम नामक तीन अमेरिकनियों ने की थी, जो कि ई कॉमर्स कंपनी PayPal के पूर्व कर्मचारी थे। इसे नवंबर 2006 में गूगल द्वारा खरीद लिया गया। बहुत सारी बातें करनी हमने आपसे। बिल्कुल सर। और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम आपका जो वीडियो है जो हमने बनाया आपके ऊपर उसे देख पाएंगे। बिल्कुल सर। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे देख लें। ओके, वीडियो दिखाया जाए ओशन जी का। आपका नाम, आपकी एज, उससे स्टार्ट करते हैं। सर एज छोड़ सकते हैं? मेरा नाम ओशिन जौहरी है, मैं 25 इयर्स की हूँ और अभी मैं सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। 15 इयर्स की एज में नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट जो आपको प्रेसिडेंट से मिलता है, इतना बड़ा अवार्ड इतनी कम एज में गवर्नमेंट ने मुझे दिया और बहुत एक इंस्पिरेशन मिली मैं भी कुछ करूँ अपने देश के लिए, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम चुना है। मुझे लगता है कि नॉर्मल लोगों से मेरी लाइफ काफी अलग है क्योंकि मिनिमम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करती हूँ। मेरी फैमिली बहुत बहुत सपोर्टिव है, हर इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ। 2018 में डिग्री मिलने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट देना शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। एक लंबा प्रोसेस है, पूरा एक साल लगता है दोबारा एग्जाम को आने में, तो ऐसा लगता है कि पूरे साल की मेहनत शायद मेरी वेस्ट हो गई। लेकिन अगले दिन से फिर वापस बैक टू नॉर्मल और अभी फिर से अटेम्प्ट दूंगी मैं और इसे पूरा तो करूंगी। इस जर्नी को मैंने शुरू किया तो आई टेक इट टू द एंड। कितना पढ़ेंगे आप? दिन भर पढ़ती रहती हैं आप? जी सर। तय कर लिया आपने कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? यस सर, बिल्कुल। और कोई काम आप इधर उधर करती नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल मैंने फोकस किया हुआ है अपने गोल पे। मम्मी मुझे हमेशा कहती हैं कि अपना फोकस बिल्कुल बना के रखो। मैं समझ सकता हूँ कि इस इम्तिहान की तैयारी के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करनी, लेकिन आप
उम्र नहीं बता रहा हूँ, आपने कहा मेरी उम्र सर, अब तो सबको पता चल गई क्या? कोई बात नहीं, बुलवा दिया। लेकिन क्या है, अभी आप बहुत जवान हैं जी सर, थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा करिए। बिल्कुल सर, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सब चीजें जो मैंने सोची है वो पूरा हो जाए, मैं इस पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकलूं और थोड़ा कुछ और अच्छे काम करूं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होगा, हमारा आशीर्वाद तो कोई काम नहीं होगा, लेकिन आप जिस तरह से मेहनत कर रही हैं और आपके पीछे जो दो बहुत ही महानुभाव बैठे हैं, आपकी माता जी और आपके पिताजी, उनका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, और वो हमेशा आपके साथ रहा, जैसे कि आपने कहा माता जी ने कहा, फोकस करके रखा करो। ओके, आप माता जी अपनी बेटी को क्या बनता हुआ देखना चाह रही हैं? सर पहले तो उसको सिविल सर्वेंट ही बनना है, वो तो अपनी लाइफ में जो करना चाहती है मेरा पूरा सपोर्ट है वो, कि वो करे जो करना चाहती है। शुरू से ही आपने ये तय कर लिया था कि बेटी जो करना चाहेगी उसको छूट होगी और आपकी अनुमति? जी जी, बहुत अच्छी बात है आपकी, बेटियों को इस तरह आपने प्रोत्साहित किया है अपने परिवार के अंदर। गर्व है सर हमें बेटी पे, बहुत गर्व है, देश के लिए समाज के लिए बहुत ही एक अच्छी धारणा है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और इन्हीं बधाइयों के साथ ओशन जी आगे बढ़ा जाएं। yes, छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, 20,000 रुपए इसका मूल्य है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। केरल के इस प्राचीन मार्शल आर्ट शैली को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस एंशियंट मार्शल आर्ट फॉर्म फ्रॉम केरल। आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीर देखने के बाद आपके सामने ऑप्शन रखेंगे, फिर आप उत्तर दीजिएगा। ये रही वो इमेज, देख लिया जी सर। ये रहे आपके ऑप्शंस, ए गटका, बी वर्म कलाई, सी कलारी पयटू, डी थंगता। जी सर, तो इसमें गटका जो है वो तो पंजाब से है तो वो ऑप्शन नहीं है, थंगता मणिपुर का है वो भी ऑप्शन नहीं है, वर्मा कलाई मुझे नहीं लग रहा कि वो साउथ इंडियन नाम है, मैं सी कलारी पयट्टू को चूज करूंगी सर। क्या करें? सी कलारी पयट्टू पे ताला लगाएंगे सर। कलारी पयट्टू सी, ताला लगाया जाए। Yes, you're absolutely right. कलारी पयट्टू एक मार्शल आर्ट है जो मानव शरीर के प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। कलारी पयट्टू की उत्पत्ति 3rd शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है और कलारी का शाब्दिक अर्थ है थ्रेशिंग द फ्लोर या युद्ध का मैदान। ऑलराइट, आगे। ओहो, घबरा जाते हैं ना ये आवाज सुनकर। बिल्कुल सर, बहुत तेज आती है, डरावनी आवाज है। ऑलराइट रोशन जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, आपके बारे में सारी जानकारी हमें मिल गई है। जी सर, तो आज का खेल यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि हूटर जी बच गए हैं। जी सर, तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। आपने कभी गौर किया है कि पानी को जिस पात्र में रखा जाए वो उसी पात्र का रूप ले लेता है? बड़ा पात्र हो तो बड़ा रूप, छोटा पात्र हो तो छोटा रूप। कुछ ऐसा ही हाल हमारे जीवन में आई परेशानियों का भी होता है। हम इन्हें अपने दिल और दिमाग में जितनी जगह देंगे ये उतनी जगह घेर लेंगे। इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इन्हें ज़्यादा जगह ना दें, न दिल में न दिमाग। इसी विचार के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक एक परेशानी जिसका नाम है कोरोना वायरस, उसको दूर रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।